हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 4 इन क्लास 7 मैथ बुक. ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. इससे पहले मैंने आपको इसमें आपको क्या एक्सप्लेन किया था, असेंडिंग ऑर्डर इन नंबर लाइन. ओके, नंबर लाइन पे हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं ये मैंने आपको बताया था. अब हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर इन नंबर लाइन. आपकी जो बुक है 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं. लेट मी स्टार्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन शो इन योर नंबर लाइन. अब आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर्स लाइन है, मैंने आपको बताया था कि वी मूव फ्रॉम राइट टू वर्ड लेफ्ट. अगर हम नंबर्स लाइन पे राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो द वैल्यू ऑफ नंबर गोज ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर. अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं नंबर लाइन पे टू वर्ड तो द वैल्यू ऑफ नंबर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर. दस द नंबर राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो जो नंबर है उसको हम कौन सी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में. फर्स्ट वी ड्रॉ अ नंबर लाइन. जब हम नंबर लाइन से शो करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएगा. ओके, तो दस वी ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड वी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट दिस इज द जीरो, इस कॉल्ड अ जीरो एंड राइट साइड एंड देन अ लेफ्ट साइड. ओके, वी मार्क 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, एंड -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 and -9. We mark the numbers because the right hand side पे जितने all positive numbers plus के number mark कर ले and right hand side पे all negative numbers मतलब minus के numbers mark कर ले. तो क्या होता है descending or descending orders, we move from right towards left. Right to left मुझे move करना है, मतलब right to left में हम अगर आते हैं तो जो numbers होंगे वो क्या होंगे, decrease होंगे. मैं right to लेफ्ट यहाँ से चल के मैं यहाँ पे आ गई. ओके, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 देन 0, -1, -2 and -3. मतलब नंबर्स के ऑर्डर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर छोटे होते जा रहे हैं. तो आपको ये तो माइंड में ध्यान रखना ही है कि जब हम राइट टू लेफ्ट वर्ड जाते हैं, मूव करते हैं राइट टू लेफ्ट, तो हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. इज दैट क्लियर? तो आपको ये माइंड में बीक कर ले, राइट टू वर्ड लेफ्ट अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप नंबर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. तो दस द नंबर राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं. अब नंबर्स क्या है, सबसे पहले 4 है, 4 मार्क्स कीजिए, ये 4 हो गया आपका. ओके, देन -1, -1 एंड 3, 3 एंड 2, 2 एंड -9, ये -9. ओके, इस टाइप से हमने नंबर्स मार्क कर लिए. अब इसको क्या करेंगे, हम अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे, आपको ये तो पता चल गया कि हमको राइट टू लेफ्ट जाना है. कहाँ जाना है, राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले नंबर क्या मार्क किया मैंने, 4, 4. फिर क्या मार्क किया, 3, देन 2 वी राइट, देन आफ्टर -1 एंड -1 के बाद क्या आएगा आपका -9. तो ये आपका अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4, 3, 2, -1 एंड -9. तो आपने राइट टू कहाँ गए, आप राइट टू आप पहले कहाँ गए, लेफ्ट, फिर देन -3, फिर देन -2, -1 एंड देन -9. तो राइट टू लेफ्ट अरेंज किया मैंने इसको, तो राइट टू लेफ्ट जाने पर सारे नंबर्स कौन से ऑर्डर में अरेंज हो गए, आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में. इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया कि नंबर लाइन पर जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो हमारा ऑर्डर कौन सा अरेंज होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. 4 इज द ग्रेटर नंबर, देन 3 इज स्मॉलर नंबर, 2 इज स्मॉलर, -1 इज स्मॉलर, देन -9 इज द स्मॉलर नंबर, ऑल ऑफ दिस नंबर. ओके, इज दैट क्लियर? ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लिया. इस टाइप से आपकी बुक में और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी आप अब आपके माइंड में ही आप नंबर लाइन बना सकते हैं कि जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो
तो हमारे नंबर्स डिक्रीज होते जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा ये आपको पता होना चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। मैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड? क्वेश्चन नंबर सेकेंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ओके थैंक्स।